हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फाइंडर। जॉब फाइंडर में आपका स्वागत है। और देखिए, आज हम डिस्कस कर रहे हैं रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा कथन और पूर्ण धारणाओं से रिलेटेड, यानी कि स्टेटमेंट और अजम्पशंस। और बिल्कुल नए क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हार्ड लेवल के क्वेश्चन होंगे ये। जैसा कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम हो रहा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी का हो, चाहे एएलपी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आरपीएफ एसआई का हो, रीजनिंग का जो बड़ा मेजर पार्ट होता है उसको टफ बनाने के लिए ये जो पोर्शन है उसमें डाला जा रहा है। और 6 से 7 या फिर 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं ये डाले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इन क्वेश्चन को डालने का मेन रीज़न क्या है कि एक तो होती है इनकी स्टेटमेंट बहुत लंबी, दूसरी बात इसको पढ़ने में टाइम लगता है, और ये होती है टाइम टेकिंग, और उसके बाद जो है इसमें फिर भी डाउट रह जाता है और क्वेश्चन गलत होने के चांस बनते हैं, ठीक है। तो हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या आसान तरीका है, हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए, आपको एक चीज़ और बतानी है कि एक होता है हमारा सिलोलिज्म, ठीक है, कथन और निष्कर्ष होता है। ये जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं कथन और पूर्ण धारणाएं। दोनों में जो है बहुत डिफरेंस होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। आप लोग एक ही में इकट्ठे लेकर मत चलना, दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं। अब देखिएगा, इसकी पहली ट्रिक क्या है कि आपको कैसे सॉल्व करना है। और सबसे पहली ट्रिक क्या है कि इसकी कोई ट्रिक नहीं होती, ठीक है। पहली बात, अगर कोई भी आपको बताए कि इसकी कोई ट्रिक होती है तो इसकी कोई भी ट्रिक नहीं होती। दूसरी बात, इसको करने का आसान वे मैं बताऊंगा कि आप कैसे इसको जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आपको क्या करना है, कथन पढ़ना है। कथन पढ़ने के बाद जो है, जो कथन आपको दिया है, कथन और पूर्ण धारणाओं की बात बता रहा हूँ, ओके। आपको इस कथन को खुद से रिलेट करना है कि अगर आप इस कथन के अकॉर्डिंग खुद होते तो आप इन दोनों ऑप्शंस जो आपको दिए हैं उसमें से आप खुद क्या चूज़ करते, ठीक है। तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। और देखिए, कथन आपको पढ़ना है 2 से 3 बार, अगर आपको बड़ा कथन दे दिया हो कुछ भी, ओके। और दूसरी ट्रिक क्या है कि आपको जो है ये चीज़ें जो हैं, नीचे वाले ऑप्शन आपको शुरू में देखने ही नहीं है। शुरू में आपको जो है खुद इन दो ऑप्शनों से ही जज करना है कि आपका आंसर क्या होगा, फिर बाद में आप इन ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, हम सॉल्व करेंगे, और आपको बता दूं कि आप इस वीडियो को करना पॉज, और पहले इन क्वेश्चन के आपको देने हैं खुद से आंसर, ठीक है। बी ऑनेस्ट, इनको सॉल्व कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट आंसर रहेंगे। अब देखिए, जो हमारा पहला कथन है वो है कि एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में ले जाया गया। कथन पढ़ लिया आपने, इसको अगर आपको नहीं समझा 2-3 बार पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आपको बता दूं कि आपको इसको करना है हमेशा पेपर में बाद में अटैम्प्ट, शुरू में अटैम्प्ट करेंगे तो आप इसी में फंस जाएंगे और आपको जो आते हुए क्वेश्चन होंगे वो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हमारी पूर्ण धारणाएं हैं वो क्या हैं। अगर मैं यहाँ पर होता, मान लीजिए मेरा कोई परिजन जो है वो बीमार है, ठीक है, मेरा कोई जो बंदा है वो बीमार है, तो देखिए प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पतालों में ले जाने से इनकार करेंगे। सेकंड है कि निकटवर्ती अस्पताल सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। तो देखिए, अगर मेरा कोई आदमी बीमार है, यानी कि बीमार पड़ गए, लोगों में मेरा भी कोई लोग बीमार हैं, और मैं उनको बोलूँगा कि सरकारी अस्पतालों में नहीं जाना, तो बिल्कुल गलत होगा। वो क्यों गलत होगा, क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट जो वो क्या कह रही है कि निकटवर्ती अस्पताल जो हैं वो सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। अब निकटवर्ती अस्पतालों में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों आ गए, ठीक है, क्योंकि इसने किसी भी स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं लिया। निकटवर्ती अस्पतालों में प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों आ गए, तो जो सरकारी और प्राइवेट अस्पताल हैं सभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो मैं किसके साथ जाऊँगा, डायरेक्टली ऑप्शन 2 के साथ जाऊँगा कि पूर्ण धारणा जो सेकंड है हमारी वो अंतर्निहित है, ठीक है। पहले आपको इन्हीं ऑप्शन में अपने आंसर जज करने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने समझ आ गया होगा और आपने बिल्कुल सही जवाब भी दिया होगा। और आ गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, और जो कथन है हमारा वो है कि सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में नए कारोबारी उपक्रम स्थापित करने के लिए हाल ही में प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, ओके, और सभी यूनिटों को अबाधित पावर सप्लाई का वचन भी दिया है। कथन आपने पढ़ लिया, आई होप आपने 2-3 बार इसको पढ़ लिया होगा। अब देखिए, जो पूर्ण धारणा है, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मैं इन लोगों में हूँ तो मैं क्या बोलूँगा कि सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त पावर सप्लाई कर पाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सरकार के इस निर्माण का स्वागत करेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने क्या देखा कि एक जो सरकार ने क्या किया है, सबसे पहले कि जो है कारोबारी उपक्रम स्थापित किया है, ठीक है। और जो हमारी पहली कथन है वो क्या है, पूर्ण धारणा, सरकार ऐसे सभी यूनिटों को पर्याप्त सप्लाई कर पाएगी।
तो देखिए यहाँ पर डायरेक्टली लिखा कि सभी यूनिटों को अबाधित पावर सप्लाई का वचन दिया है। तो फिलहाल तो मैं इसके साथ जाऊँगा, करे चाहे ना करे वो अलग चीज़ है, स्टेटमेंट के अनुसार जो है हम इसके साथ जाएंगे। ओके, सेकंड है कि ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी सरकार के इस निर्माण का स्वागत करेंगे। तो देखिए उसने एक तो यो रोजगारों के लिए रोजगार स्थापित किया है और दूसरा यूनिटों की पावर सप्लाई का ही वचन दिया है। तो इस कथन के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ कि मेरे ये दोनों ठीक हैं। ठीक है, तो हम किसके से जाएंगे, ऑप्शन चार के साथ जाएंगे कि पूर्ण धारणा एक और दो दोनों अंतर्निहित हैं। ओके, आपको क्या करना है कि आपको खुद से रिलेट करके देखना है तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा 100%। और देखिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो लिंक सभी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। और देखिए एग्जाम के लिए मैंने जो है 80 प्लस ब्रांड एम्बेसडर की जो लिस्ट बना रखी है, सभी वीडियो नीचे आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। 80 प्लस मैंने बुक्स एंड राइटर के नाम लिखे हुए हैं, मैंने जो है 40 प्लस जो है सभी योजनाएँ कवर कर रखी हैं। ठीक है, जो भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने सबके सब कवर किए हुए हैं, उनको जाकर जरूर देख लेना। ओके, देखिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि मुख्य त्यौहार के दिन नगर पालिका प्राधिकरण, ठीक है, अब प्राधिकरण को लेकर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई नगर पालिका ही ले लीजिए। ठीक है, कि मुख्य त्यौहार के दिन नगर पालिका ने मंदिर के अंदर और इर्द गिर्द यातायात का आवागमन रोक दिया, यानी कि जो गाड़ियां हैं उनके चलाने पर उसने रोक लगा दी त्यौहार के दिन। क्लियर, अब देखिए जो पूर्ण धारणा है वो क्या कह रही है कि अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मुख्य त्यौहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण मंदिर आएंगे। तो देखिए पहला तो हमारा 100% सही है, ठीक है, यहाँ पर हमको कोई भी डाउट नहीं है फर्स्ट में कि मुख्य त्यौहार के दिन नगर पालिका ने जो है मंदिर में जो यातायात है उसमें रोक लगा रखी है, और जो पूर्ण धारणा है कि मुख्य त्यौहार के दिन बहुत बड़ी संख्या में भक्तगण आएंगे, तो पहला तो मेरा बिल्कुल राइट है। दूसरा देखिए क्या कह रहा है कि मंदिर के आसपास के क्षेत्र में यात्रा करने वाले लोग अत्यंत आवश्यक काम नहीं होंगे तो अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थापित कर देंगे। देखिए दूसरा जो कथन है उसने भले ही यातायात पर रोक लगा रखी है, पर आप खुद से सोचिए कि मंदिर के आसपास के लोगों को क्या उस दिन ज़रूरी काम नहीं होगा, ये तो खैर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और उसी में क्या बोल रहा है कि वे अपनी यात्रा एक दिन के लिए स्थगित कर देंगे। तो देखिए मान लीजिए किसी एक आदमी ने यात्रा अपनी पोस्टपोन कर दी या स्थगित कर दी, सभी को ज़रूरी काम ना हो पहली, दूसरी तो हमारी वैसे भी गलत हो रही है कि किसी को भी ज़रूरी काम नहीं है। ठीक है, अगर वो ऐसे बोलता कि वो उस दिन यात्रा नहीं करेंगे या फिर किसी और रास्ते से जाएंगे तो वो हमारी सही हो जाती, पर यहाँ पर आप खुद समझ रहे हैं, यहाँ पर तो कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है। तो हम किस पे जाएंगे, ऑप्शन ए पर जाएंगे, केवल पूर्ण धारणा एक अंतर निहित है। और देखिए आपको एक चीज़ बताऊँ, भले ही मैं आपको ये चीज़ें करवा रहा हूँ पर आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, ये चीज़ हमेशा बाद में अटैम्प्ट करनी है, हमेशा बाद में। ठीक है, पहले अटैम्प्ट मत करना, चाहे आपकी कितनी भी प्रैक्टिस हो आप इसके अंदर उलझ के रह जाएंगे। और दूसरी बात देखिएगा कि अगर आपको कभी भी इन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, एग्ज़ाम में बैठे और आपको डाउट में लग रहा है कि इसका आंसर ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है, तो मैं आपको डायरेक्ट बताऊँगा कि उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल छोड़ देना। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग है तो उसको अटैम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डाउट में है, अगर आपको क्लियर है कि यहाँ तो दोनों ठीक होंगे, आपको खुद क्लियर है पूरा 100% लग रहा है कि दोनों ठीक है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि एक ठीक है, तो आप फिर इसको जो है अटैम्प्ट जरूर करना क्योंकि वो 100% सही ही जाएगा। अगर आप डाउट में है तो उसको हमेशा लेफ्ट करना, कभी भी उसको अटैम्प्ट मत करना, आपके नंबर माइनस में ही जाएंगे, कभी भी प्लस में नहीं जाएंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सरकार ने शहर के सभी प्राइवेट स्कूलों को कम से कम 2 वर्ष के लिए फीस का वर्तमान स्तर बनाए रखने के अनुदेश दिए हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है जो भी प्राइवेट स्कूल है उसने क्या बोला है कि 2 साल तक आपको जो अभी फीस चल रही है वर्तमान फीस आपको वही रखनी है। ठीक है, कथन क्लियर। अब पूर्ण धारणाएं देखिएगा कि प्राइवेट स्कूलों के प्राधिकारी यानी कि अधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे सरकार के निधियों पर निर्भर नहीं हैं। ठीक है, और दूसरा देखिएगा कि सरकार के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थी के माता पिता फिर भी अपनी फीस अदा करने के लिए उत्सुक होंगे। अब देखिए पहला तो हमारा गलत है, और गलत क्यों है कि प्राइवेट स्कूलों के अधिकारी सरकार के अनुदेश का पालन नहीं करेंगे। अब देखिए भले ही वो प्राइवेट स्कूल हो पर उनको सरकार के अनुदेश का पालन करना पड़ेगा क्योंकि वो मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरी बात, पहला तो हमारा गलत होगा क्योंकि वो सरकार के निर्भर नहीं है, निधियों पर निर्भर नहीं है, पहला हमारा गलत है ये आपको साफ दिख रहा है। और दूसरी चीज़ देखिएगा, दूसरी चीज़ हमारा जो राइट भी हो सकता था और रॉन्ग भी हो सकता था। और राइट क्यों होता, देखिए शहर के प्राइवेट स्कूलों के विद्यार्थियों के माता पिता फिर भी अधिक फीस भरने के लिए उत्सुक होंगे, तो अगर उत्सुक शब्द यहाँ पर नहीं प्रयोग होता तो ये हमारा सही हो जाता। ठीक है,
उत्सुक तो नहीं होंगे, ठीक है। चाहे आपके पास कितना भी पैसा है, अगर आपकी फ़ीस जो है सभी कॉलेजों में सेम है और आपके सिर्फ बढ़ा रहे हैं, तो आप उत्सुक नहीं होंगे, ठीक है। ये बात आपकी क्लियर है कि आप उत्सुक नहीं होंगे। अब देखिएगा, अगर इसकी जगह ये देता कि उसके माता पिता फिर भी अधिक फीस भरने के लिए मजबूर हैं, तो देखिए ये हमारा चल जाता, क्योंकि वो मजबूर हैं। अगर स्कूल फीस नहीं कम कर रहा तो वो मजबूर हैं, तो ये हमारा बिल्कुल राइट होता, ठीक है। चीज़ें समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर वो बोल रहा है कि उत्सुक हैं, तो आपको खुद दिख रहा है कि चाहे आपको कितना भी पैसा है तो आप ज़्यादा फीस भरने के लिए उत्सुक कभी नहीं होंगे कि मुझे भरनी है, मुझे ज़्यादा फीस भरनी है, आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा पहला तो गलत है और दूसरा भी हमारा गलत है, ठीक है। हमको खुद सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल 100% राइट है, ठीक है। ऑप्शन चार जो है ना तो पूर्ण धारणा एक और ना ही पूर्ण धारणा दो अंतर्निहित है, यानी कि कोई भी जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। नेक्स्ट है नगर पालिका प्राधिकरण ने एक व्यस्त रोड पर नए फ्लाईओवर के निर्माण के लिए पुराने पुल को गिरा देने का निर्णय लिया, ठीक है। यानी कि जो नगर पालिका है उसने क्या कहा, जो पुराना पुल है उसको गिरा दो और उसकी जगह जो है नया फ्लाईओवर बनाएंगे, ठीक है। निर्णय उसका बिल्कुल राइट है, पुराना गिरा के अगर नया फ्लाईओवर बनाएंगे तो ये अच्छी बात है। अब देखिए पूर्ण धारणाएँ क्या बोलती हैं कि ट्रैफिक विभाग वैकल्पिक मार्गों से वाहन के आवागमन का विपथन कर पाएगा, ठीक है। और सेकंड देखिएगा, आपको इसको नहीं देखना अभी, लास्ट वाले को, ठीक है। सेकंड बोल रहा है कि निकटवर्ती क्षेत्रों में यात्रा करने वाले लोग जो अधिकारी हैं यानी प्राधिकरण के निर्णय के विरोध का प्रदर्शन करेंगे। अब देखिए पहली बात तो उसने किया है अच्छा काम कि जो है पुल को गिरा दिया और नया फ्लाईओवर बना रहे हैं, तो लोग तो खुश होंगे ही कि फ्लाईओवर बन रहा है उनके वहाँ पर। तो दूसरा तो गलत हो गया कि हमारा वो विरोध नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई, ओके। यानी कि जो हमारा सेकंड जो पूर्ण धारणा है वो तो हमारी गलत है, हमको दिख रही है, ठीक है। एग्जाम में आपको यहीं से जज करना है, ये मत पकड़ना शुरू में कि आप लोग इसको उठाएंगे यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि कौन सा हमारा फिट बैठ रहा है, तो यहाँ से तो आप गलती ही कर दोगे। अब देखिए पहला हमारा क्या है कि ट्रैफिक विभाग जो है वैकल्पिक मार्गों से वाहन के आवागमन जो है वो कर पाएगा, यानी कि जो ट्रैफिक विभाग होता है वो किसी भी अन्य मार्ग, यानी कि यहाँ पर देख लीजिए फ्लाईओवर बन रहा है, तो यहाँ से वो गाड़ी ना ले जाकर गाड़ी कहीं और जो है शॉर्ट कर वैकल्पिक मार्गों से है वाहन का थोड़े दिन के लिए आवागमन करेगा, ताकि वो हमारा फ्लाईओवर जो है वो बन के तैयार हो सके। ट्रैफिक विभाग वाले तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। नया मार्ग भी बना सकते हैं, वो शुरू में कोई कच्चा रास्ता निकाल देंगे कि जब तक फ्लाईओवर नहीं बन रहा तो हम कई सारे वैकल्पिक मार्गों का चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है हमारा पहला जो है वो हमारा राइट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी बिल्कुल से सही से जवाब दिया होगा, ओके। अब ये तो होगी सिंपल सी चीज़, अब हम करते हैं एक इसी में पॉसिबिलिटी वाला केस, ठीक है। यानी कि पॉसिबिलिटी वाला केस जो है थोड़ा सा डाउटफुल है, उसको हम कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि मोहन ने अपने माता पिता को करीब 30 लोगों के लिए भोजन का इंतजाम करने के लिए कहा, क्योंकि अपना जन्मदिन मनाने के लिए उसने सारे मित्रों को बुलाया था, ठीक है। अब देखिएगा पूर्ण धारणाएं क्या है कि हो सकता है मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आए। सेकेंड, मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अब देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये क्वेश्चन आपका डाउटफुल में जाएगा। क्यों जाएगा, आप यहाँ पर डाउटफुल में क्यों जाएंगे कि आपने पहले सेकंड स्टेटमेंट को देखिए कि मोहन के जन्मदिन की पार्टी में भाग लेने वाले 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे। अब देखिए अगर यहाँ पर आपको डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है कि 30 लोगों को उसने करीब 30 लोगों को उसने बुलाया है, तो 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, ये भी हमारा सही जाएगा, ठीक है। अब देखिए सही क्यों जाएगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एग्जैक्ट डाटा दिया हुआ है कि 30 लोगों के इंतजाम के लिए उसने बुलाया है, तो ये हमारा सही जाएगा कि 30 से ज़्यादा लोग नहीं होंगे, कथन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो, ओके। अब फर्स्ट को देखिएगा, पहला दो सेकंड हमारा सही है, फर्स्ट को देखिएगा कि हो सकता है मोहन के अधिकतर दोस्त उसके जन्मदिन पर उसके घर आए। अब आपको मैं बता दूं कि हमारी स्टेटमेंट है पॉजिटिव, ठीक है। स्टेटमेंट हमारी पॉजिटिव हो और जो हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस है वो भी हमारा पॉजिटिव हो, याद रखेंगे तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है और हमारी जो पूर्ण धारणा है ये भी हमारी पॉसिबिलिटी में क्या दे रखी है, पॉजिटिव दे रखी है, तो हमारा ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ये इसका रूल होता है, स्टेटमेंट पॉजिटिव है और जो हमारा पॉसिबिलिटी वाला केस है वो भी हमको पॉजिटिव में दे रखा है, तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा दोनों
फोर्थ आंसर हमारा आ जाएगा पूर्ण धारणाएं एक और दो अंतर्निहित हैं, यानी कि दोनों के दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है, तो गाइस ये था आपका वीडियो। अगर आपको लगता है कि मैं और किसी टॉपिक की वीडियो बनाऊं या फिर इसी टॉपिक में और भी कई सारे क्वेश्चन ऐड करूं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। कमेंट बॉक्स खाली है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।